अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेगुलरली। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने और अपने जाने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। एक सजेशन है, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सजेशन है। वो इज़ द बेस्ट सिंगर आतिफ, अरिजीत, सोनू निगम और के सर में से किसी एक को चूज़ करना है, जो कि इम्पॉसिबल है। सब अपने आप में बेस्ट हैं और सबके बहुत सारे सॉन्ग्स हम सबके फेवरेट्स भी हैं, तो नहीं चूज कर सकते। बट सजेशन थी, ये बॉलीवुड टॉक्स का वीडियो है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। पहले देख लेते हैं कि वीडियो किस तरह का है, उसके बाद कमेंट्स करते हैं एंड पे, मजा आएगा। लेट्स वॉच आउट। के वर्सेस सोनू निगम, अरिजीत वर्सेस आतिफ, सोनू निगम वर्सेस शान, के वर्सेस मोहित चौहान एंड सोनू निगम वर्सेस अरिजीत सिंह। अक्सर अक्सर मुझसे ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं कि मतलब मुझे के और सोनू में से कौन सा सिंगर बेस्ट लगता है, अरिजीत या फिर आतिफ, सोनू निगम अच्छा है या फिर शान। तो मैंने सोचा आज ये किस्सा खत्म कर ही देते हैं, मतलब एकदम जड़ से मिटा ही देंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये स्पेसिफिक इसी टॉपिक पर होने वाली है, जिसमें किन्हीं दो लेजेंडरी सिंगर्स में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो के अंदर जो भी बातें होंगी वो मेरी पर्सनल ओपिनियन होंगे, जैसा मुझे पर्सनली लगता है। एंड प्लीज देखो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना बिना स्किप ये एंड तक, और समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आए या फिर सही लगे तो उन्हें फॉलो कर लेना, वरना आपकी मर्जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, ताकि आपको आगे ऐसी वीडियोस मिलती रहें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलिए अब आते हैं सीधा मुद्दे पर। इस वीडियो को बनाने के मेरे दो बड़े रीजंस थे। पहला, जो कि मैंने आपको बताया कि ऑडियंस अक्सर मुझसे पूछती है कि ये सिंगर या फिर ये सिंगर कौन सा बेस्ट है। बट जो एक मेन रीजन था इस वीडियो को बनाने के पीछे, वो ये था कि आजकल लोग इस टॉपिक को लेकर किसी दूसरे सिंगर की बेइज्जती करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें गालियां भी देते हैं। और मैं ये सब के मोहित चौहान, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, शान, जावेद अली, ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स की बात कर रहा हूँ। अरिजीत के फैंस कहते हैं कि अरिजीत बेस्ट है, आतिफ असलम के फैंस कहते हैं कि आतिफ बेस्ट है, के फैंस कहते हैं कि के बेस्ट है। तो मैं सबसे पहले बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा किसी सिंगर के फैंस से, कि किस बेसिस पर आप ये कह सकते हो कि इन लेजेंडरी सिंगर्स में से ये सिंगर बेस्ट है? क्या आपके पास कोई फैक्ट है? क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ये बता सके या फिर एनालाइज कर सके कि ये वॉइस बेस्ट है या फिर इस वॉइस में सबसे ज्यादा वेरिएशन है? सिंपल सी बात है, इन सभी चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता जिससे कि हम ये कह सकें कि ये सिंगर बेस्ट है। इसके जैसा कोई नहीं, ये बस एक इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, जिसके हिसाब से उसे लगता है कि ये स्पेसिफिक सिंगर उसका फेवरेट सिंगर है। और मैं यहाँ पर बेस्ट वर्ड का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बेस्ट एंड फेवरेट में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। किसी सिंगर को बेस्ट बोल के आप इनडायरेक्टली कि दूसरे सिंगर को नीचा दिखा रहे हो। बेस्ट की जगह पर आप फेवरेट वर्ड का यूज कर सकते हो, वो बिल्कुल सही होगा। आप ये कह सकते हो कि सोनू निगम आपके फेवरेट सिंगर हैं या फिर के आपके फेवरेट सिंगर हैं। बट अब अगर आप किसी सिंगर का नाम लेके ये कहते हो कि वो सिंगर बेस्ट है, तो अब इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि बाकी के जो भी सिंगर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि के या फिर सोनू निगम कौन सा बेस्ट है, तो यार अब मैं कैसे बताऊं? दोनों ही लेजेंडरी सिंगर्स हैं, दोनों ही इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स में से हैं, दोनों की आवाज एक दूसरे से अलग है। जो काम सोनू निगम कर सकते हैं वो के नहीं कर सकते, जो के कर सकते हैं वो सोनू नहीं कर सकते। एंड सेम विद अरिजीत और आतिफ, मोहित वर्सेस के, शान वर्सेस सोनू। इन सभी सिंगर्स की सबसे खास बात ये है कि ये कोई एक पर्टिकुलर टाइप के सिंगर नहीं है जो सिर्फ एक ही टाइप के गाने गा सकते हो। ये सब के सब वर्सेटाइल सिंगर्स हैं। ये सभी पार्टी सॉन्ग्स, रॉक, सूफी, क्लासिकल, फिल्मी, हर टाइप के सॉन्ग गा सकते हैं, तो फिर कंपैरिजन किस बात का? और एक दूसरी खास बात इन सिंगर्स की ये है कि ये सभी एकदम नेचुरल सिंगर हैं। किसी ऑटोट्यून की जरूरत नहीं है इन्हें, और ना ही कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश की है। जैसे ही ओरिजिनल है वैसा ही उन्होंने ऑडियंस को सुनाया है। जबकि आज के टाइम में आप खुद ही जानते हो कि जो भी नए सिंगर्स आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम सिंगर्स अरिजीत सिंह जैसा बनना चाहते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं। और इसी रीजन की वजह से आज के टाइम के म्यूजिक में वेरिएशन एकदम खत्म हो चुकी है। वरना पहले मोहित चौहान, शान, सोनू निगम, आतिफ असलम, के एंड अरिजीत तो आज भी काफी सारे सॉन्ग्स गा रहे हैं, तो इन सभी की वॉइस बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि किसी को कॉपी कर रहे हैं या फिर अपनी ओरिजिनलिटी छुपा रहे हैं। तो अब आप यार खुद ही देखो कि कंपैरिजन करने वाली तो बात ही नहीं बनती। पहले मुझे भी लगता था कि यार ये फलाना सिंगर बेस्ट है, या फिर मैं कोई दूसरा सिंगर सुन लेता तो मुझे लगता कि नहीं यार अब ये बेस्ट है, मतलब इसके जैसा अच्छा तो दुनिया में कोई गा ही नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, थोड़ी बहुत समझ आती गई एंड मैंने बाकी सिंगर्स को सुना, तो मुझे पता चला कि यार और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। और आज के टाइम में मेरे माइंड में तो ओवरऑल एक यही थॉट है, सभी सिंगर्स अपनी जगह बेस्ट हैं, स्पेशली जिन सिंगर्स के मैंने इस वीडियो में नाम लिए हैं। सभी के अंदर एक ओरिजिनलिटी है, सभी वर्सेटाइल सिंगर्स हैं, सभी लेजेंड्स हैं। और जैसा काम के मोहित चौहान या फिर जावेद अली या फिर आतिफ असलम, अरिजीत, शान, सोनू निगम या फिर आप कोई भी सिंगर का नाम ले लो, किसी एक सिंगर के जैसा काम कोई दूसरा सिंगर नहीं कर सकता। आज के टाइम में भी जब मैं किसी एक सिंगर के सॉन्ग्स को कुछ दिनों तक रिपीट पे सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार शायद यही एक बेस्ट सिंगर है। और ऐसा ही आपके साथ भी होता होगा कि आपका कोई एक फेवरेट सिंगर है और आप बार बार उसे रिपीट पर सुनते हो, इसी वजह से आपको लगता है कि वो बेस्ट है। बट उससे थोड़ी नजरें हटाओ और बाकी सिंगर्स को भी सुनो, उसके बाद चूज करो कि आपको कौन सा सिंगर अच्छा लगता है, और उसके बाद भी आप उस सिंगर को सिर्फ फेवरेट सिंगर का टैग दे सकते हो। और इन सभी सिंगर्स का तो यार कंपैरिजन करना ही अपने आप में पाप है।
इस वीडियो में बोलने को तो मैं और भी 15-20 मिनट तक बोल सकता हूँ, बट मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, बस मैंने अपने व्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। सभी आर्टिस्ट की इज्जत करो, हो सकता है उनकी आर्ट आपको पसंद आए या फिर ना आए, क्योंकि सभी आर्टिस्ट एकदम टॉप नॉच नहीं होते। बट यार इन सभी सिंगर्स को तो हम जानते ही हैं, इन्हें बचपन से सुनते आए हैं, जिनके बिना हिंदी म्यूजिक आज इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। और यार प्लीज एटलीस्ट इन्हें कुछ बुरा तो मत कहो। मैं कुछ ही दिन पहले देख रहा था इंस्टा पर भी एक वीडियो काफी वायरल हुई थी कि शान को कुछ लोगों ने इंस्टा लाइव में गालियां दी थी, तो यार अच्छा नहीं लगता ये सब देख के। एंड बस यही था मेरा थोड़ा बहुत फालतू का ज्ञान। वीडियो पसंद आई या फिर मेरी बातें थोड़ी बहुत सही लगी तो थोड़ा बहुत ध्यान लाइक बटन पर भी दे दो, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। जब मैंने ये वीडियो प्ले नहीं किया था, प्ले करने लगा था, तो मेरे माइंड में यही था कि एक अन लॉजिकल सा, एक स्टूपिड सा कंपैरिजन होने वाला है, और उसकी बेस पे सिलेक्ट कर लेंगे कि जीत आतिफ में से ये बेस्ट है, के सोनू में से ये बेस्ट है। बट ऐसा कुछ नहीं था, टोटली लॉजिकल बातें थी, और ये सेम ओपिनियन मैं भी रखता हूँ जो कि मैं कभी बता नहीं पाया। मेरे फेवरेट अजीत सर हैं, बिकॉज मुझे ना सिर्फ उनकी सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, मेरे जितने भी फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनमें से मोस्टली अजीत सर वाले हैं। मुझे पर्सनैलिटी भी अजीत सर की बहुत अच्छी लगती है, और इसी वजह से वो मेरे फेवरेट हैं। बाकी मैं कोई मुझसे और पूछे भी सही, तो मैं बार बार यही बात करता हूँ कि कभी भी मैं किसी एक सिंगर को फेवरेट नहीं बोल सकता। मुझे हर सिंगर के कुछ 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 गाने अच्छे लगते हैं और कुछ कुछ नहीं भी अच्छे लगते, तो बट अजीत सर का मुझे ऐसा कोई गाना ही नहीं है जो अच्छा ना लगता हो। बट और एक और बात मैंने नोट की, मोहित चौहान का नाम था यहाँ पे, मोहित चौहान, अंकित तिवारी, शान, ये वो सिंगर्स हैं जिनकी मेरे पे ऑडियंस नहीं है। आई डोंट नो इन्होंने आपने कभी मुझे इनमें से किस सिंगर का कोई कभी कोई गाना सजेस्ट ही नहीं किया। सो कर सकते हैं, मुझे अंकित तिवारी बहुत अच्छे सिंगर हैं, मोहित चौहान बहुत अच्छे सिंगर हैं, और इनके भी बहुत सारे सुपर हिट सॉन्ग्स हैं, शायद ये भी अंडर रेटेड हैं और हम इनको जानते नहीं हैं इतना। और टोटली वैलिड वीडियो था ये, और ऐसा ही होना चाहिए कि हमें कभी भी किसी को दो सिंगर्स को कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। और ये भी उन्होंने बात ठीक की कि जब हम किसी एक को फेवरेट बना लेते हैं तो हम सिर्फ उसी के सॉन्ग सुनते रहते हैं और हमें ये लगता है कि इससे बेस्ट तो कोई नहीं गा सकता, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे सिंगर्स हैं, उन सब सिंगर्स के कोई ना कोई सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो कि धमाल होते हैं। मुझे इवन कुमार सानू और उदित नारायण सर, इनके भी बहुत सारे सॉन्ग्स मेरे फेवरेट हैं। इवन मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई रीमेक करे, मुझे उन्हीं वाले वर्जन कमाल लगते हैं आज भी। सो हर सिंगर के बहुत सारे सॉन्ग्स आउटस्टैंडिंग होते हैं, और हमें कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। सो अच्छा वीडियो था, थैंक यू सो मच फॉर सजेशन। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।